कहाँ हैं वो लड़कियाँ, कहाँ हैं वो लड़कियाँ जिनकी शादी है नज़दीक, जिनकी शादी में रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन या एक महीना या एक हफ्ता, वो आज की वीडियो को ना मिस कीजिएगा। बिकॉज ऑफ आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसे स्किन केयर ब्राइडल रूटीन जिसमें आप अपने स्किन के हर तरह के प्रॉब्लम को, अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, रंग काला हो गया है और जल्दी से गोरा करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो लास्ट में वॉच कीजिएगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ऐसी स्किन केयर रूटीन जिसको फॉलो करके विद इन 10 to 15 डेज आप अपनी स्किन को बिल्कुल परफेक्ट कर लेंगे और उसके साथ साथ हो जाएंगे गोरे अपनी शादी पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले मेरे चैनल को करते जाएं सब्सक्राइब और मुझे आप इंस्टा और फेसबुक पे लाजमी फॉलो किया करें ताकि मैं आप लोगों के साथ वहां पे भी अटैच रह सकूं। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग, और क्लिनजिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए है एलोवेरा का जेल। इसका जेल मैं निकाल लूंगी और नेक्स्ट हमें चाहिए है विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये हम एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके अपने फेस की क्लिनजिंग करेंगे। जेल मैंने ये सेपरेट कर लिया है, निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से आई है। अब इसे मैं विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करूंगी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा हो चुका है क्लिनजर तैयार, इसे मैं अपनी मैं क्लिनजिंग कर लूंगी। इसको लेके आपने इस तरह से इस शेप में अपने फेस का मसाज करना है। फेस का आप डेली रूटीन में इस तरीके से 2 टाइम अपना फेस मसाज करेंगे और ये हमारी सिंपल क्लिनजिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सिंपल सी क्लिनजिंग। ये क्लिनजिंग मैंने इसलिए इजी बनाई है ताकि आप लोग इसे डेली रूटीन में फॉलो कर सकें। जैसे फेस वॉश करते हैं वैसे ये क्लिनजिंग भी करें और अपने फेस की तमाम जितने भी डस्ट और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। ये एलोवेरा जेल जिसमें ऐड हो रहा है उसके बेनिफिट्स इतने हैं कि स्टार्ट किए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि एलोवेरा हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है, हमारी स्किन के डस्ट उतार के फेंक देता है और उसके साथ हमारी स्किन की कलर टोन को बढ़ाता है, यानी कि लाइट कर देता है। तो करते जाएं इस क्लिनजिंग को। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप यानी कि स्क्रबिंग की तरफ। स्क्रबिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए शुगर, सेकंड हम इसमें ऐड करेंगे हनी, लास्ट में हाफ लेमन। हमारा स्क्रबर ये हो चुका है रेडी, अब इसे हम अप्लाई कर लेंगे। स्क्रबिंग के लिए हम लेंगे लेमन का पील और इसको लगाएंगे इस फेस पे और इसी से अपनी स्किन की स्क्रबिंग स्टार्ट कर देंगे। आपने इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपनी सारे फेस की क्लिनजिंग करनी है। तो फ्रेंड्स हमें हमारे लास्ट स्टेप यानी कि उपटन के लिए सबसे पहले चाहिए है मेरुनिसा उपटन। इसको मैंने निकाल लिया है, ये मैं इतनी क्वांटिटी में ऐड कर दूंगी। फिर हमने इसमें ऐड करना है फुलर्स अर्थ मुल्तानी मिट्टी, इसके हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल 2 टेबलस्पून। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी 1 टीस्पून। हम इसमें ऐड करेंगे स्किन को सॉफ्ट करने के लिए और इसका पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें हस्पे ज़रूरत मिल्क ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है हमारा उपटन तैयार, इसको हम कर लेंगे अप्लाई। और वो ब्राइडल्स जिनकी शादी है नज़दीक वो इस पेस्ट को, इस उपटन को डेली रूटीन में अपने फेस पे, हाथों पे और पाँवों पे लगाएं, मसाज करें और अपने हाथों को और पाँवों को कर लें गोरा अपनी शादी से पहले पहले। तो फ्रेंड्स आइए चलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं कर रही हूँ अपने फेस पे अप्लाई, आप लोगों ने भी इसी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करना है। और इसको अप्लाई करने के बाद आप 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे और इसे अपने फेस से रगड़ के यानी कि रब करके उतारेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने कर लिया अप्लाई, अब मैं वेट करूंगी इसके सूखने का। जब ये ड्राई हो जाएगा इसे रब करके अपने फेस से रिमूव कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने कर लिया है फेस को वॉश और आप देख सकते हैं मेरी स्किन हो चुकी है बिल्कुल फ्रेश। इसी रूटीन को फॉलो करें हर वो ब्राइडल जो कि शॉपिंग और अपनी
ड्रेस की टेंशन में, अपने शूज़ की टेंशन में, पॉलर की टेंशन में, हर चीज़ की टेंशन से आपने फेस को कर चुकी है खराब, तो वो इस रूटीन को फॉलो करे। उसको किसी भी तरह के फेशियल की ज़रूरत नहीं मिल पड़ेगी, क्योंकि जो फेशियल हमें सैलून से मिलते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन उनसे इतना इंस्टेंट ग्लो नहीं आता। अगर आ जाता है तो वो बस टेम्परेरी होता है। करवाते रहेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं करवाएंगे तो फिर से फेस डल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, घर में बने हुए फेशियल से इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें और अपनी स्किन को कर लें फ्रेश, जैसे कि मैंने कर ली है सिर्फ एक दफ़ा के यूज़ से। तो जब आप डेली रूटीन में ये फॉलो करेंगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपके फेस का क्या रिजल्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी इस ब्राइडल स्किन केयर रूटीन के पार्ट 1, जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये तमाम चीज़ें और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, ये चीज़ें आपको एक्सटर्नली गोरा करेंगी, और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट 2 होगा उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी स्किन का ख्याल इंटरनली किस तरह से रख सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी ड्रिंक्स और डाइट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसको आप यूज़ करके आप अपनी स्किन को इंटरनली भी गोरा कर सकते हैं और परफेक्ट बना सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो लास्ट में वॉच कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं थैंकफुल हूँ उन सब लोगों की जिन्होंने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब, और बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और उन हेटर्स की भी जो मुझे सपोर्ट नहीं भी करते। इसके साथ साथ जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, करते जाएं सब्सक्राइब मेरे चैनल को, बेल आइकन पे लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।